हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज जो है आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ, IISER बहरामपुर इस इंस्टीट्यूट के बारे में, कि इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या किस तरीके से करनी पड़ती है, क्या स्टेप होते हैं अप्लाई करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप मेक श्योर कर लीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया IISER बहरामपुर के रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है IISER बहरामपुर 2021 IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के लिए सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए आपके ब्राउज़र में जहाँ से आप क्या कर पाएंगे, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या किस तरीके से करना होता है। ठीक है, IAS पर ऑफिशियल साइट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको न्यू टैब में ओपन आएंगे। फिर यहाँ पर ओपन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कि आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले भरने होते हैं, फिर डेट देखने होते हैं सारी चीज़ कौन से डेट पर क्या होगा, फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर जान जाएंगे और पैटर्न्स देखेंगे, मतलब तो देखने होते हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और सिलेबस के बारे में यहाँ पर इस मतलब पूरे साल में सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए बताता आपको। सबसे पहले इस फॉर्म को जरूर फिल करना, जो सामने आपके फॉर्म में आपका ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है आपने टाइप कर लेना होगा, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, आपकी सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट करके बाद पहले स्टेट सेलेक्ट करना, आपकी सिटी कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, आपकी सिटी, फिर आपका कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके कितने हैं अब तक की, फिर आपको सेलेक्ट करके गेटवे काउंसलर पर क्लिक करना है। तो उससे क्या होता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आता रहता है इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड, और अलग अलग कॉलेज से भी आपको एसएमएस मेल वगैरह सारी चीज़ें आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गेटवे काउंसलर में क्लिक किया तो इस तरीके से मेरे सामने थैंक यू फॉर इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते कि इंस्टीट्यूट लोकेटेड जो है बहरामपुर ओडिशा में है, और ये इट्स अ पॉपुलर कौन सा नाम से IISER बहरामपुर। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश 2016 में, इसे एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये, और ये साइंस एजुकेशन रिसर्च बहरामपुर वॉज फाउंडेड 2016 में किया गया था। आपको पता ही है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये DHRD, तो ये शॉर्ट में इसको ऐसा नाम है, और जो बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में अप्लाई करते, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे देखनी होती है। बहुत सिंपल है, KVP वाई चैनल का। सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्टेड। UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, यहाँ पर अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं। बहुत सिंपल है अप्लाई करना। KVP वाई चैनल हो गए, तो यहाँ पर उसका डेट कैसे देखने, बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर्म बताया जाएगा कि कब रिलीज़ होगा, अप्रैल में होगा। ठीक है, लास्ट डेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का अगस्त में। ठीक है, ऐसे सीट एलोकेशन प्रोसेस का भी होगा अक्टूबर में, ऐसे ही आपको चेक करना। फिर SC-B के लिए भी आपको एग्जैक्टली ऐसे ऐसे चेक करना। फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ की जाती है, तो वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पेरेंट्स डिटेल्स, आपके एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो एप्लीकेशन फॉर्म के फीस लगते, तो फीस भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए SC/ST/PWD कैटेगरी के लिए, फॉरेन नेशनल के लिए तो यहाँ पर 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और $100 रुपीज़। ठीक है, $100। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर देख लीजिए कि एडमिशन, जैसे कि KVPY चैनल से एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताया कि अप्लाइंग सीकर्स ऑफ वैलिड KVPY का आपका वैलिड आपके पास स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, एकेडमिक रीजंस के यहाँ पर एलिजिबिलिटी को भी अप्लाई करना है, एडिशनल कट ऑफ क्राइटेरिया में भी अप्लीकेबल हैं तो होना चाहिए आपके पास, जैसे कि JEE एडवांस का बोला गया, वैसे ही SC-B चैनल का बोला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते, जिसने भी आप 12 कम्प्लीट किया अपना, तो साइंस स्ट्रीम से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको परसेंटेज भी चाहिए रहता है अप्लाई करने के लिए, मिनिमम जितने भी रहते हैं आपके, अब इधर तो लिखा नहीं ऐसा कुछ, फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि 50 या फिर 60% से आपको चाहिए रहता है। ठीक है, कट ऑफ ऑफिशियल फैक्ट के थ्रू रिलीज की जाती है बेस्ड ऑन द वेरियस परमानेंट नंबर्स ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट्स, ओवरऑल नंबर ऑफ जितना भी सीट्स हैं, JEE चैनल के लिए बताया गया आपको। फिर मैं प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया गया, फॉर्मेट 2016 में किया गया था, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर 50% सीट्स और लोकेशन के वे को आए NJEE एडवांस चैनल के लिए बोला गया, और सारी चीज़ यहाँ पर आप देखिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया बोला गया आपको, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग, कैटेगरी के लिए अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस होते हैं यही ऑफिशियल कट के थ्रू, जिस वजह से आप एडमिशन ले पाते हैं, और जिसमें भी आपको लेना है फीस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।